नम्रता जी, डॉक्यूमेंट देखकर तो साफ पता चलता है कि ऑर्डर्स प्रॉपर फॉलो हुए नहीं, एंड द मिस्टेक इज दैट ऑल। वो तो मुझे भी पता है, आई हैव कॉल्ड फॉर सॉल्यूशंस। घबराइए मत, चौहान ने ऐसे बहुत केसेस हैंडल किए हैं। सच को झूठ में बदलना, झूठ को सच में बदलना एक हुनर है, और चौहान इसी के पैसे लेता है। देखिए, मकान तो टूटा लेकिन बस्ती पुरानी है, मकान कमजोर हो सकता है, या फिर वो बुलडोजर वाला शराब के नशे में धुत होगा। आई मीन कुछ लोग सस्पेंड होंगे, बट आपका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। अब करना क्या है? कुछ नहीं, मैं शो कॉज नोटिस का रिस्पॉन्स भेज देता हूँ और जल्द से जल्द कोर्ट की डेट ले लेता हूँ। एंड डोंट वरी, द केस इज अंडर आवर कंट्रोल। और क्या नाम है ये हीरा लाल? इस हीरा लाल का तो ऐसे मजा चखाऊंगा कि इस केस से निकलने के लिए उसे दूसरे केस की जरूरत होगी। क्या स्टेटस है मिस्टर शॉ? मैडम, मैंने केस ब्रीफ तैयार कर ली है, अभी तक केस हमारे फेवर में। अभी तक मेरा मतलब है कि उन्हें हमें गलत साबित करने के लिए गवाह चाहिए जो उन्हें अभी तक नहीं मिले। और अगर मिल गए तो? नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा, भरोसा रखिए। The case is under our control। अभी फिसले ना तो समझ लो मकान तुम्हारे हाथ से गया। हीरा लाल तिवारी, जिसका घर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कानून अपनी सरकारी जमीन हासिल करने के लिए तोड़ा है, और इसने सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेशन को बदनाम करने के लिए, उसका सरेआम मजाक बनाने के लिए यह झूठा केस फाइल किया है। क्यों मिस्टर हीरालाल, ये सरकारी कागज तो पक्के हैं, झूठा दावा करने की सजा जानते हो ना, मानहानि के केस में जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस केस को फॉरन डिसमिस किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। नोटिस की नॉलेज थी, पिक्चर्स में साफ साफ दिख रहा है कि मेरे मुवक्किल हीरा लाल के पूरे मकान को इन्होंने गिरा डाला। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये बात सही है कि नगर निगम ने घर के पिछले हिस्से को गिराने का ऑर्डर नहीं दिया था, और ना ही नगर निगम की टीम ने ऐसी कोई कोशिश की थी। ये देखिए, हीरा लाल के मकान के कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत हीरालाल का मकान 4 साल पहले ही रिकंस्ट्रक्शन के लिए चला जाना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि हीरालाल का मकान नगर निगम के टीम की वजह से नहीं रहते तो हम वहां थे भी नहीं, हमारी गैर मौजूदगी में ही सब हुआ है। ये तो कोई और होगा, कोई आस पड़ोस के लोग होंगे, वही तो होगा। देखा ना साहब, जी हूँ। जी क्या कर रहे हो, नोटिस मिला या नहीं? देते हैं, आप अपने सारे गवाह इकट्ठे कर लो, और चौहान साहब आपके साइड के जितने लोग डिमोलिशन स्क्वाड पे ड्यूटी पे गए थे उन सबको एक साथ हाजिर करो। बट योर ऑनर, अगर इस केस में कोई गवाह होता तो अब तक सामने आ गया होता, सारे एविडेंसेस आपके पास है, प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं। दिस इज अ क्लियर एक्ट ऑफ मलाइनिंग अ रेप्यूटेड गवर्नमेंट एजेंसी। दिस इज एन ओपन एंड शट केस योर ऑनर। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस केस को अभी डिस्मिस। इट्स एन ओपन एंड शट केस, यही कहा था ना आपने मिस्टर चौहान? आपको पता है जज ने कैसे तमाचा मारा है डिपार्टमेंट के मुंह पे? अगली डेट में ये केस हमारे फेवर में होगा। रियली? और तब तक अगर हीरा लाल की बस्ती से किसी ने गवाही दे दी तो? मैडम, अब तक किसी ने नहीं दी तो आगे कोई नहीं देगा। प्लीज, आप पहले ही ऐसे कई दावे कर चुके हैं, अब और नहीं। I can't take any risk। इसमें निगम के आला अफसर भी शामिल है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे दोस्त लियाकत अली खान कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। योर ऑनर, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओमनिबस ऑर्डर्स हैं, जिसमें लखनऊ शहर के गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन और सड़क अतिक्रमणों को तोड़ने का आदेश है। शहर की सड़कें शहर की प्रॉपर्टी है योर ऑनर, शहर के लोगों की प्रॉपर्टी। इसके एक इंच पे भी किसी का कब्जा इलीगल है, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे हटाकर अपने एफिशिएंसी का सबूत दिया है।
इसके लिए नगर निगम के ऑफिसरों को शाबाशी देनी चाहिए, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। लेकिन हो इस बात का उल्टा रहा। हीरालाल तिवारी अपनी गरीबी का फायदा उठाकर नगर निगम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए नगर निगम चाहे तो हीरालाल तिवारी के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर सकती है। लेकिन डिफेंस ये नहीं चाहता, डिफेंस चाहता है कि ये केस को बिना ज्यादा खींचे इसे फौरन खारिज किया जाए